इंग्लिश कैसे बोलें। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। ये बहुत ही आसान है, अगर आप चंद रूल्स पर अमल करें, चंद टेक्निक्स हैं उन पर काम करें, तो इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रूल इंग्लिश स्पीकिंग का। इंग्लिश स्पीकिंग में सीखने के लिए जो चंद रूल्स हैं, उनमें जो फर्स्ट रूल है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल है, ऑलवेज लर्न फ्रेजेस नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। कभी भी जब आप कोई वर्ड याद करते हैं तो अकेला वर्ड याद ना करें, बल्कि फ्रेज याद करें, एक सेंटेंस याद कर लें उसके साथ, फिर वो वर्ड आप कभी भूलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट को हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नया वर्ड है हमारे लिए एलोक्वेंट। एलोक्वेंट को याद करने के लिए अगर हम इसके साथ एक सेंटेंस को याद कर लें तो ये हमें फिर वर्ड कभी भूलेगा नहीं। एलोक्वेंट जिसका मतलब है खुश गुफ्तार, अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, यासिर इज़ एन एलोक्वेंट बॉय, यासिर एक खुश गुफ्तार लड़का है। तो अगर हम वर्ड्स को इस तरह से याद करते हैं, जुमले के साथ, सेंटेंस के साथ, फ्रेज के साथ, तो ये हमें कभी भूलता नहीं है। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स में ये फर्स्ट रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखें, नया वर्ड सीखें, तो वो फ्रेज़ के साथ उसको याद करें, अकेला उसको याद ना करें।